Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवालियां, हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। दिल्ली के बुराड़ी में घर में मिली 11 लाशों के सनसनीखेज मामले में तंत्र मंत्र का शक गहराया, क्योंकि घर में मिले रजिस्टर में पहले से दर्ज था कि किसको कहां फांसी पर लटकाना है। और महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के शक में 5 लोगों की हत्या के बाद पुलिस ने 23 लोगों को हिरासत में लिया। साथ ही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बलाती में बादल फटने की वजह से सैराघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अमरनाथ यात्रा लश्कर आतंकियों के निशाने पर है। लश्कर ने भारी मात्रा में घाटी में हथियार भेजे हैं, जिसकी मदद से आतंकी घाटी में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे थे और एक बार फिर से इस तरह की खबरें पुख्ता तौर पर सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा लश्कर आतंकियों के निशाने पर है। जो खुफिया एजेंसी है, लश्कर ने भारी मात्रा में हथियार घाटी में भेजे हैं, इस बात की तस्दीक कर रही हैं, जिसकी मदद से आतंकी घाटी में घुसपैठ और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। संदीप, कैसे खबर पुख्ता हो रही है? देखिए, लगातार जो है लश्कर जो है घाटी में तनाव बहुत बढ़ाने की कोशिश में है। आतंकी गतिविधियाँ उसको भी तेज करने की कोशिश में है। और यही अभी जो मिले हैं उसके मुताबिक अमरनाथ यात्रा में कुलगाम से जो मीरपुर बाजार है और बैतू इलाका है, वहाँ पे जो है अटैक कर सकते हैं, इस तरीके की खबरें आई हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो LET है उसको एक हैवी कंसाइनमेंट जो है अभी रिसीव हुआ है। और उस हैवी कंसाइनमेंट को जिसमें कि AK-47 है, जो दूरबीन है वो, और काफी ऐसी चीजें उनको भी कंसाइनमेंट मिली जो कि जल्द से जल्द कश्मीर में जो है वो भेजने की तैयारी शुरू करेंगे। कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जिस तरीके का ऑपरेशन शुरू हुआ है दोबारा से भारतीय सेना का, लगातार न्यूट्रलाइज किया जा रहा है आतंकियों को, और उससे जो है कहीं ना कहीं अब अपने आप को और मजबूत दिखाने के लिए, और जिस तरीके का टेरर वहाँ के लोगों के अंदर से दूर हो रहा था टेररिस्टों का, उसको जो है कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश में है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में एक बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसे उल्टा लटका दिया गया। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने चोरी के आरोप में बच्चे पर जमकर अत्याचार किए और बच्चे की पैंट को घुटनों तक उतारकर उसे एक तार से बांधकर उल्टा लटका दिया। बच्चे को टॉर्चर किए जाने का वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें दिखा कि उल्टा लटका बच्चा आरोपियों से रहम की गुहार लगाता रहा और उन्हें चक्कर आने की दुहाई भी देता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माने और बच्चे पर उनका टॉर्चर जारी रहा। आरोपी फैक्ट्री मालिक इसके बाद भी नहीं माना और बच्चे से सवाल करता रहा। आरोपी की फैक्ट्री मालिक के साथ उसके गुर्गो ने भी बच्चे पर अत्याचार किया। उन्होंने बारी बारी से बच्चे से सवाल पूछे और जवाब न मिलने पर डंडे से उसकी पिटाई की। इस पिटाई से बच्चे के शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से बच्चे के पिता उसे गोद में उठाकर चारपाई पर लिटाते दिखे, क्योंकि बेरहमी से हुई पिटाई के बाद बच्चा चलने की हालत में नहीं रहा। उल्टा लटका दिया था। हाँ। कितने लोग थे वो? 7 लोग थे। किसी ने रोका नहीं? नहीं। वहीं अपनी सफाई में आरोपी फैक्ट्री मालिक ने बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। जो माल रहता है लोहे का सामान वो निकाला है। हालांकि पीड़ित बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ये वीडियो आया सामने, इंस्पेक्टर ने तत्काल कार्रवाई की, फैक्ट्री मालिक को पकड़ा है। बच्चे के पिता ने सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर अपनी जान देने की धमकी दी। सवाल ये कि अगर बच्चे पर चोरी का आरोप था तो भी फैक्ट्री मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए थी। कानून अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है और एक मासूम बच्चे पर इस तरह के थर्ड डिग्री टॉर्चर को करना कहीं से भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। दिल्ली में बुराड़ी के घर में मिले 2 रजिस्टर तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। रजिस्टर से मिली जानकारी के मुताबिक परिवार बड़ पूजा नाम के खास तरह की पूजा कर रहा था। इस पूजा में जो प्रक्रिया लिखी हुई थी उसे परिवार ने मौत से पहले पूरा किया था। पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी धर्मगुरु या बाबा का हाथ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ रही है कि बुजुर्ग महिला की मौत भी फंदे से लटकने से हुई थी, जिसकी लाश जमीन पर मिली थी। सूत्रों के मुताबिक परिवार 2015 से रजिस्टर में नोट लिख रहा था और आखिरी बार 26 जून को रजिस्टर में कुछ लिखा गया था। दिल्ली के बुराड़ी में अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की खबरों के बीच मृतक परिवार के घर की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें मरने वाले परिवार ने घर में कुछ दिन पहले ही 11 पाइप लगवाए थे।
सभी 11 पाइप बाहर की ओर निकली हुई थी। इन्हीं पाइपों से सभी के लाश लटके हुए मिले थे, जिससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि घर में ये पाइप खुदकुशी करने के लिए लगाए गए थे। घर में लगी 11 पाइपों में 7 पाइप झुकी हुई थी, जबकि 4 पाइप सीधी लगी थी। इसे महज संयोग भी कह सकते हैं। बुराड़ी के इस घर में मरने वालों में 7 महिलाएं थी और 4 पुरुष थे। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही कि आखिरकार इन लोगों की मौत के पीछे की वजह क्या है। हालांकि पुलिस को इस घर के अंदर से कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिसपे धर्म की बातें लिखी हैं, जिसमें मोक्ष प्राप्ति की बातें लिखी गई हैं। और इसका एक रिलेशन भी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये इमारत है, और इमारत में अगर आप देखें तो यहाँ पे कुल 11 पाइपें बनाई गई हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इस फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और ये बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगर आप देखें ये तो हालांकि इस तरह की पाइपें जो होती हैं वो छत पर पानी की निकासी के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी संख्या, इन पाइपों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। इस घर के अंदर 4 मेल बॉडीज़ और 7 जो फीमेल बॉडीज़ हैं वो रिकवर की गई थी, मिली थी। और ये जो पाइपें जिस हिसाब से यहाँ पे बनी हुई हैं, 2 पाइपों, अगर 4 पाइपों को आप देखते हैं तो उनकी बनावट कुछ अलग तरीके से है, बाकी जो 7 पाइपें हैं उनकी बनावट कुछ अलग तरीके से है। इस चीज़ को यहाँ पर लिंक करने की कोशिश है। बुराड़ी केस में मृतक बुजुर्ग महिला की बेटी ने तंत्र मंत्र की खबरों से इनकार किया है। मृतक बुजुर्ग महिला की बेटी के मुताबिक जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो गलत है और परिवार की हत्या की गई है। क्या हुआ? कुछ करके मार कर गए उनको, वो पागल है जो सुसाइड करेंगे? हंसता खेलता परिवार, वो क्यों ऐसा करेगा? उनके घर में कोई परेशानी भी नहीं थी, वो शादियों की तैयारी हो रही तो वो ऐसे अपने आप को मारेंगे। लेकिन जो ये कहानियां गढ़ी जा रही है सब झूठ है ये, और पूजा पाठ का क्या बकवास? हमारे सारे बंद करवा दो, तुम चैनल है ना, एक बार बंद करवा दो, हम ये जानना चाहते हैं, मंदिर सारे बंद करवा दो तुम। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये किसी बाबा वगैरह के संपर्क? कुछ भी नहीं था, सब झूठ। उनको गुस्सा आता था बाबा बाबो पे, और ये कि बाबे बाबे कर रहे हैं, बेले थे वो जो बाबो को पकड़ के ले आते थे, बाबे खुद जेल में बैठे और बाकी बाबे इनके घर आते थे, वो क्या। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक सड़क पर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी तालियां बजाकर प्रदर्शन करने लगे। सफाई कर्मचारियों ने अपनी 10 मांगों को लेकर सड़क पर एक मार्च निकाला और सरकार से उनकी मांगे जल्द पूरा करने की अपील की, जिसके बाद वो एक सड़क पर खड़े होकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर मार्च भी निकाला। सफाई कर्मचारियों ने दावा किया कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वेतन में बढ़ोतरी करने, प्रमोशन देने और पुरानी पेंशन के सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग की, और मांगे पूरी नहीं होने पर 2019 के चुनाव में सरकार के विरोध में प्रचार करने की चेतावनी भी दी। 2019 में सब भाजपा का पूरा विरोध होगा, एक एक सीट पर सफाई कर्मचारी जाकर के विरोध करेगा। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों ने दावा किया कि 2005 के बाद से ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी गई थी, लेकिन सफाई कर्मचारियों को इसका लाभ अब तक नहीं मिला। सवाल ये कि सफाई कर्मचारियों की पेंशन और प्रमोशन की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के प्रदर्शन से क्या सफाई कर्मचारी मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? राजस्थान के अलवर में खेत में कुछ महिलाएं एक पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर उस पर डंडे बरसाने लगी। आरोप है कि इससे पहले महिलाओं का एक आदमी से खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ था, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस महिलाओं को चेतावनी देकर रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन महिलाओं ने पुलिस की एक नहीं सुनी और एक पुलिस वाले को डंडे से मारने लगी। इसके बाद महिलाओं के नहीं मानने पर पुलिस ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं के साथ कई लोगों पर डंडे बरसाए। काफी देर तक खेत में यूं ही हंगामा होता रहा, जिसमें पुलिस टीम के 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने कई महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और मारपीट का मामला दर्ज कर जाँच में जुट गयी। सवाल ये कि विवाद सुलझाने गई पुलिस को उसका काम करने से क्यों रोका गया? विवाद सुलझाना और शांति बनाए रखना पुलिस का काम है, और विवाद की स्थिति में पुलिस को उसका काम करने दिया जाना चाहिए था, लेकिन महिलाओं ने पुलिस पर हाथ उठाकर कानून हाथ में लिया, जो सरासर गलत है। बिहार के पटना में खुसरूपुर स्टेशन पर सैकड़ों यात्री पटरी पर उतर आए। ये सभी यात्री पटरी पर उतरकर लोकल ट्रेन के वक्त पर नहीं खोले जाने का विरोध करने लगे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि शटल ट्रेन के लिए उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन तय वक्त पर ट्रेन नहीं चलाई गई, जिससे परेशान यात्री पटरी पर उतरकर हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से धनबाद इंटरसिटी ट्रेन को आउटर सिग्नल पर ही रोकना पड़ा।
महाराष्ट्र के धुले में कई लोगों के बीच जमीन पर बैठी कुछ महिलाएं मातम मनाने लगी। वहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 5 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद मारे गए लोगों के परिवार में मातम छा गया। आरोप है कि गांव में घूम घूम कर भीख मांगकर गुजारा करने वाले घुमंतू कबीले के ये लोग सोशल मीडिया पर फैली बच्चा चोरी की अफवाह के शिकार बन गए। रविवार को धुले के रेनपाड़ा में कुछ लोगों ने इन्हें बच्चा चोर समझ लिया, जिसके बाद भीड़ की पिटाई से इनकी मौत हो गई। इस बीच हालात संभालने पहुंची पुलिस के 3 जवान भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मारे गए लोगों को एक बच्ची से बात करते देख लिया था, जिसके बाद इनसे सवाल जवाब किए गए, लेकिन जवाब से नाखुश लोगों ने उन्हें बच्चा चोर समझ लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग इन्हें पकड़कर पीटने लगे। इसके बाद 5 को पकड़कर एक कमरे में बंद किया गया और वहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हमारा जो परिवार है जो पूरा बिखर गया है, उनका सरकार ने सुविधा चाहिए। इलाके के कुछ लोगों ने इस घटना को गलत बताया और पीड़ित परिवार के भीख मांगकर गुजारा करने का दावा किया। अलग अलग जगह रुकते हैं, अभी ये 2-3 महीने यहाँ रहेंगे, इसके बाद में और कोई गांव को जाएंगे। बच्चा चोरी के शक में एक साथ 5 लोगों की पीट कर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के धुले से दिल दहलाने वाली घटना जो सामने आई है वो कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी देश में बच्चा चोरी की फैली अफवाहों ने कई लोगों की जान ले ली है। इससे जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 3 महीनों में देश के 11 राज्यों में अब तक 27 लोग भीड़ ने हत्या को निशाना की है लोगों की। मॉब लिंचिंग की यह घटना अगरतला, अहमदाबाद, रायपुर, मालदा, औरंगाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद और धुले में हुई। 28 मई को हैदराबाद में भीड़ ने एक 52 साल के आदमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। 8 जून को गुवाहाटी में 2 लड़कों की और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 आदमियों की अफवाहें जान ली। जून में ही पश्चिम बंगाल के मालदा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के अहमदाबाद और त्रिपुरा के अगरतला में अफवाहों की वजह से कुछ लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया पर फैली बच्चा चोरी की अफवाह रही है। सवाल यह है कि सोशल मीडिया की अफवाह पर भरोसा क्यों किया गया? सोशल मीडिया पर फैली अफवाह की वजह से हुई हत्याएं समाज को शर्मसार करने वाली हैं। अगर किसी पर भी बच्चा चोरी करने का शक है तो उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करें, ना कि कानून अपने हाथ में ले। हैदराबाद के 2 परिवारों ने मलेशिया में फंसे बेटों की रिहाई के लिए मदद की गुहार लगाई। हैदराबाद के 2 परिवारों ने नौकरी के लिए मलेशिया गए उनके बेटों के वहां फंसे होने का दावा करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार एक स्कूल बस के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आदमी पर नशे में एक पुलिसकर्मी को गोली मारने का आरोप लगा। गुजरात के सूरत में एक सड़क हादसे के समय 3 लोगों की मौत के मामले में सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कार की टक्कर के बाद एक महिला सड़क पर दूर गिरती नजर आई। देहरादून में स्कूली बच्चों से भरी एक गाड़ी में अचानक आग लगने के बाद उसमें बैठे बच्चों को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के पीलीभीत के एक अस्पताल में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले परिवार से मेडिकल जांच के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो शिखर धवन के साथ डांस करते नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनी टीवी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए वेबसाइट और केबल ऑपरेटर पर भारत इंग्लैंड सीरीज के गैर कानूनी प्रसारण पर रोक लगाते हुए साफ किया कि बिना लाइसेंस लिए मैच नहीं दिखाए जा सकते। राहुल द्रविड़ और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। ये सम्मान पाने वाले द्रविड़ 5वें भारतीय हैं। हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर कानून का शिकंजा और कस गया है। जांच एजेंसी सीबीआई ने जानकारी दी कि नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इंटरपोल ने नीरव मोदी के भाई निशाल मोदी और उनके एक कर्मचारी सुभाष परब के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। नोटिस में इंटरपोल के सभी 192 सदस्य देशों को नीरव मोदी को देखते ही हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने को कहा गया है। साथ ही गिरफ्तार करने के बाद उसे भारत भेजे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीबीआई ने दावा किया कि इंटरपोल को नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द किए जाने की जानकारी थी। इसके बाद भी उसने कई देशों की यात्रा की, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद नीरव मोदी के लिए एक देश से दूसरे देश जाना मुश्किल होगा। नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जाने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, अभी तक कोई वापस तो आया नहीं। देखते हैं अब इसका क्या असर होता है।
क्योंकि नीरव मोदी को तो लगता है सरकार की पूरी सपोर्ट है। हरियाणा के यमुना नगर में एक आदमी जमीन पर खून से लथपथ पड़े एक पुलिस वाले को उठाने की कोशिश करने लगा। आरोप है कि शराब के नशे में इस आदमी ने मामूली कहासुनी में पुलिस वाले को गोली मार दी, जिसके बाद घायल पुलिस वाला वहीं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। ये पूरी घटना वहां मौजूद एक आदमी के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड होती रही, जिसमें दिखा कि आरोपी शराबी जमीन पर पड़े पुलिस वाले को हाथ से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस वालों ने वहां मौजूद लोगों की मदद से घायल पुलिसकर्मी को उठाकर गाड़ी में रखा। इस बीच आरोपी वहीं मौजूद था, जो गिरफ्तारी के समय आसानी से काबू में नहीं आया और धक्का मुक्की के बाद उसे जबरन गाड़ी में बिठाया गया। पुनीत नाम का घायल पुलिसकर्मी एक विधायक का गनमैन है, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। सवाल ये कि नशे की हालत में किसी शख्स को विवाद को बढ़ावा क्यों देना पड़ा। नशे पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ अपने साथ होने वाले बड़े हादसों को न्योता देता है, बल्कि दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। बिहार के महुआ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव साइकिल चलाकर लोगों से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे। फिल्म रुद्रा द अवतार से नेता से अभिनेता बने तेज प्रताप यादव को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये तंज कसा जा रहा था कि वो मजबूरन फिल्मों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ पहुंचकर उन पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। लोगों की समस्याओं पर जवाबदेह अधिकारियों को लतार लगाने से लेकर तेज प्रताप यादव ने साइकिल की सवारी भी की। धीरे धीरे भैया, धीरे 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 जाएगा। इससे पहले वो महुआ के एक गाँव पहुँचे, जहाँ उन्होंने टी विद तेज प्रताप के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चाय की चुस्कियों के बीच आरजेडी नेता ने लोगों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद तेज प्रताप यादव वहां से निकल गए और घर घर जाकर लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। हालांकि बातचीत के दौरान जब तेज प्रताप यादव से लोगों ने बिजली और पानी के मुद्दे पर तीखे और सीधे सवाल पूछे, तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश को भेदभाव का भी आरोपी बताया और दावा किया कि राज्य में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनने की वजह से महुआ के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। सरकार पलट गया, नीतीश कुमार सोचा कि तेजस्वी तेज प्रताप जी का घर है महुआ, इसलिए इधर कोई काम नहीं करता। तेज प्रताप यादव ने लोगों के सवालों का जवाब दिया तो उनकी समस्याओं को लेकर जवाबदेह अधिकारियों को भी खूब लताड़ लगाई। आप लोग अफसर हैं तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, आप लोगों को सूचना पहले मिलता ही होगा। इसके बाद वो एक महिला की समस्या सुनने के लिए उनके घर पहुंच गए और उनकी मदद का भरोसा दिया। बोल दिया, बात कर ली अफसर से। आरजेडी नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब एक साल बाद पहुंचे। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर तेज प्रताप यादव को घेर कर खड़े हो गए। तेज प्रताप यादव ने लोगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया तो घर घर जाकर लोगों को सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ विरोध करने के लिए मनाया। इसके बाद वो गांव के पास खंडर हो चुके एक मंदिर में दाखिल हुए और झाड़ू लगाकर वहां की सफाई की। मंदिर की साफ सफाई करने के बहाने उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। भाजपा वाले, बजरंग दल वाले केवल नाम के लोग हैं, ये मंदिर का रक्षा करना नहीं जानते हैं। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों के उन बयानों पर भी हमला किया, जिनमें उनकी फिल्म रुद्रा द अवतार को लेकर निशाना साधा गया था। सवाल ये कि विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना उन लोगों के साथ सरासर बेईमानी है, जो लोग चुनाव में अपनी कीमती वोट देकर उन्हें अपना नेता चुनते हैं। फिल्म रुद्रा द अवतार को लेकर तेज प्रताप यादव लगातार चर्चा में हैं। ऐसे में अब उनकी नेतागिरी के स्टाइल को भी खूब पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों ने मंदसौर कांड के विरोध में हाथों में पोस्टर और जूते चप्पल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन के जरिए लोगों ने 8 साल की बच्ची के गैंगरेप के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। और गैंगरेप के एक आरोपी आसिफ की तस्वीर वाले बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर गए। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग रख दी। यही नहीं, इसके बाद लोगों ने आरोपी आसिफ की तस्वीर पर जूते बरसाए और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप भी लगा दिया। तो आरोपी है इरफान, उसको फांसी की सजा तुरंत मिलनी चाहिए। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना आइंदा ना हो। सैंडल मास्क निकालकर जूते चप्पलों से उस अपराधी को फांसी की मांग की है। हालांकि मंदसौर गैंगरेप मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी इरफान को भी गिरफ्तार कर लिया।
सवाल ये कि मासूम बच्चों का रेप करने पर मौत की सजा का कानून बनने के बाद भी ऐसी घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है। ऐसे अपराध को रोकने में समाज को भी अपने स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सीपीएम और वहां की कुछ और पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। ये कार्यकर्ता SC ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने जुटे। और चेन्नई के एशमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ता प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए, जबकि कुछ लोग वहीं जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST कानून में बदलाव कर उनके अधिकारों को और कमजोर कर दिया। कार्यकर्ताओं ने SC ST एक्ट में बदलाव का फैसला वापस नहीं लेने पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के SC ST एक्ट में बदलाव करने के आदेश पर बवाल अभी थमा नहीं है। इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त देश में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले की इसी महीने सुनवाई होनी है। गुजरात के सूरत में पुलिस वाले मशीन की मदद से एक गाड़ी को उठाकर ले जाने लगे। आरोप है कि गाड़ी में सवार शख्स ने 3 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पीली गाड़ी में सवार शख्स रॉन्ग साइड में होते हुए भी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, तभी उसने एक फ्लाईओवर पर 3 बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, वहीं गाड़ी का अगला हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। और ये गाड़ी वाला कितनी स्पीड में था? गाड़ी वाला कम से कम 80-90 की स्पीड से था, ओवरटेक में सामने वाले को ठोक गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बजेरो गाड़ी है 4-व्हील, उसे 3 बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 बाइक पूरी तरह डैमेज हुए, एक जेंट्स, एक लेडीज और एक बच्ची, 3 लोगों की डेथ हुई है। इस हादसे के बाद वहाँ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गयी, जिसको काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी में 4 पुलिस वाले भी बैठे थे, जो हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए लोगों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है। को लेकर लापरवाही क्यों बरती गई? जरूरी है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरती जाए और नियमों का पालन किया जाए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में दिनवा नदी के तेज बहाव में फंसे एक लड़के को 2 लोग बचाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि लड़का दिनवा नदी पर बने एक पुल पर सेल्फी ले रहा था, तभी दिनवा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और सेल्फी ले रहा लड़का पुल से नीचे गिर गया। हालांकि घटना के समय वहां मौजूद 2 लोगों ने लड़के को पकड़ लिया, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो लड़के को ऊपर की तरफ नहीं खींच पाए। इस बीच नदी के किनारे पर खड़े कुछ लोग लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे दोनों लड़कों को सुझाव देते सुनाई दिए। अरे कूदो यार, कूदिए। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद तेज बहाव में फंसा लड़का पुल के सहारे थोड़ा आगे बढ़ा और फिर दोनों लोगों ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे पुल के ऊपर खींच लिया। सवाल ये कि मॉनसून के मौसम में खतरे वाली जगह पर सावधानी क्यों नहीं बरती गई? अक्सर ऐसे हादसे लापरवाही की वजह से पेश आते हैं। जरूरी है ऐसे हादसों से बचने के लिए मॉनसून के दौरान सैर सपाटे के लिए नदी और झरनों के आसपास जाने के दौरान एहतियात बरती जाए, ताकि अनहोनी से बचा जा सके। अंत्योदय एक्सप्रेस के यात्रियों ने चालधाम रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में लूट का आरोप लगाया। गुजरात के उतना से बिहार के जयनगर जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस के यात्रियों ने चालथान रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में लूट का आरोप लगाया। यूपी के एटा में एक टैंकर और एक गाड़ी के बीच टक्कर में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में एक हफ्ते से इंटरनेट सेवा बंद होने की वजह से व्यवसायियों ने पर्यटन सीजन में भारी नुकसान होने का दावा किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वन कर्मियों ने आरोप लगाया कि अवैध खनन को रोकने के समय रेत माफिया ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के दमोह में एक शादी समारोह के समय चोरी का CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का आसानी से 2 बैग लेकर वहां से फरार हो गया। जयपुर में एक आदमी पर पत्नी के साथ मिलकर अपने ही भाई की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने मदन लाल को हराते हुए DDCA यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया, जबकि राकेश कुमार बंसल उपाध्यक्ष चुने गए। खबर है कि T20 में महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की ग्रेजुएशन डिग्री पर पंजाब पुलिस की जांच में सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद अब उन्हें DSP के पद से हटाया जा सकता है।
सानिया मिर्जा ने अपने पति और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक के T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने को लेकर ट्विटर पर उन्हें बधाई दी। उत्तर प्रदेश में अमेठी के जगदीशपुर में कुछ लोग एक मकान में तोड़फोड़ करने लगे। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने मकान की जमीन पर कब्जा करने के लिए वहां रहने वाले लोगों के साथ मारपीट और बाद में मकान को खाली करवा कर और उसका पूरा ढांचा गिरा दिया। इस घटना का एक मोबाइल वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग मकान में तोड़फोड़ करते दिखे। वीडियो में कई जगह उस मकान में रहने वाली महिला के रोने की आवाज भी सुनाई दी। 2 मिनट 30 सेकंड के इस वीडियो में आरोपियों को मकान में तोड़फोड़ करते हुए देखा गया। घटना के समय वहां रहने वाले दूसरे लोग भी मौजूद नजर आए लेकिन किसी ने भी मकान तोड़ रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। आरोपियों के मकान की जमीन पर कब्जा करने के बाद उसमें रहने वाली महिला ने पुलिस को घटना की शिकायत की। 10-11 लोग हम लोग के ऊपर मार छोड़ने लगे कि यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। पुलिस ने आरोपियों की पहचान का दावा करते हुए उन्हें जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। सवाल ये कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आरोपियों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट ही नहीं की, उनसे उनका मकान भी छीन लिया। इस मामले में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ना चाहिए, साथ ही उस जमीन को भी खाली कराना चाहिए जिस पर कब्जा किया गया। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के बलाती में बादल फटने से सेराघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया है। हालांकि अभी तक आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की बैठक में घाटी में जल्द चुनाव करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया गया। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के घर पर हुई कांग्रेस की जम्मू कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की बैठक में घाटी में जल चुनाव करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का फैसला लिया गया। 5 महीनों के अंदर चुनाव होना चाहिए। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत की जिसके तहत पहली से पांचवी क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध जबकि छठी से आठवीं तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। सरोजनी नगर और आसपास के इलाके में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के बाद एनजीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दक्षिण दिल्ली के 16,000 पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिन में हलफनामा दायर कर लोकपाल की नियुक्ति के लिए लगने वाले समय और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी। यूपी में 2 दिन पहले ही कृषि उत्पादन आयुक्त पद से वीआरएस लेने वाले राज प्रताप सिंह को राज्यपाल राम नाईक ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पुलिस अधिकारी अपने सामने खड़े लड़के को पीटने लगा। आरोप है कि वहां शादी समारोह के दौरान बवाल हो गया जिसके बाद कुछ लोगों ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर उसकी सरकारी पिस्तौल छीन ली। जिसकी जानकारी मिलते ही हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और आरोपी लड़के से पूछताछ करने लगे लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि शराब के नशे में कुछ बारातियों की लड़की वालों से कहा सुनी हो गई, जिसकी शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे एक सब इंस्पेक्टर के साथ भी मारपीट की और उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। घेराबंदी करके और सर्विस रिवॉल्वर बरामद की गई। आरोपी गण के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सवाल ये कि शादी समारोह में शराब पीकर बवाल करने की घटनाओं पर कब लगाम लगेगी। समाज को अपने स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने में सतर्कता बरतनी चाहिए। देहरादून में चलती स्कूल वैन में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि जब वैन में आग लगी उस वक्त उसमें स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया जिससे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा। बच्चा चोरी की अफवाह में पीट पीट कर लोगों की हत्या का मामला अब सियासी घमासान की वजह बन गया है। महाराष्ट्र के धुले में 5 लोगों की हत्या के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने फडणवीस सरकार पर ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जो खुद एक गृह मंत्री है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर वो क्यों अभी तक ध्यान नहीं दे पाए। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने बच्चा चोरी के अफवाह में हत्या और मारपीट की घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान शिक्षा को
ज्ञान को, विज्ञान को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया उसका ये नतीजा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों को भीड़ की हिंसा को सियासी चश्मे से नहीं देखने की नसीहत दी। इस पर किसी तरह की बयानबाजी से कोई फायदा होने वाला है कि कोई कभी भी इस तरह की घटना अगर होती है तो उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। जानकारी के मुताबिक बच्चा चोरी के अफवाह की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 20 से भी ज्यादा लोगों की पीट पीट कर हत्या हो चुकी है। सवाल ये कि दर्दनाक मामलों पर भी नेता सियासत से बाज क्यों नहीं आते? इस पर सियासत ठीक नहीं है। जरूरत है कि नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अफवाहों से बचने की अपील करें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। यूपी के इलाहाबाद में सिविल लाइन इलाके में एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वहां पर जिम चलता था और जिम के मालिक और आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कर्मचारियों ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। यूपी के मेरठ में कुछ छात्राएं और महिलाएं हाथों में चम्मच और थालियां लेकर उसे बजाकर प्रदर्शन करने लगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बच्ची के रेप का मामला सामने आने के बाद ऐसी वारदात के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वाइस थाली गैंग का गठन किया गया, जिसमें शामिल छात्राओं और महिलाओं ने एक सड़क पर चम्मच से थालियां पीटनी शुरू कर दी। थाली गैंग ने देश में बढ़ती रेप की वारदातों पर नाराजगी जताई और दलील दी कि थालियां बजाकर वो सरकारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप बेटे की बजाते हैं तो मोहल्ले में पता लग जाता है कि बेटा हुआ है, तो मोहल्ले में ये भी पता लगना चाहिए कि जिस बेटे के जन्म पर कल थाली बजी थी वही बेटा आज बलात्कारी है। थाली गैंग के सदस्यों ने दावा किया कि वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जाकर बच्ची के रेप के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। अनोखे गैंग को तैयार करने के पीछे मकसद ये है कि बलात्कारियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मंदसौर में बच्ची के रेप के गुनहगार को फांसी दिए जाने की मांग की। सवाल ये कि सख्ती के बाद भी रेप के मामले कम क्यों नहीं हो रहे हैं? दावा किया जा रहा है कि सरकार मुस्तैद है और कानून सख्त है, फिर भी रेप के बढ़ते मामले महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। जरूरत है कि देश में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की, जिसके लिए सख्त कदम उठाया जाना जरूरी है। वाराणसी के बीएचयू में एक नर्स की मौत के विरोध में अस्पताल की नर्सों ने वाइस चांसलर के घर के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। नर्सों का आरोप है कि अस्पताल में आईसीयू नहीं मिलने की वजह से नर्स की मौत हुई। साथ ही अस्पताल के कर्मचारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नर्स की हालत गंभीर होने पर परिवार वालों ने कई बार आईसीयू की मांग की थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10% आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार किया। ढाका में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मिलकर रोहिंग्या संकट का हल निकालने और म्यांमार पर दबाव बनाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने और प्रदूषण कम करने को लेकर लिए गए फैसलों पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। आर्म्स एक्ट मामले में पटना हाई कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश में नए मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे की कमान संभालते ही 25 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। राजस्थान के भरतपुर में मंत्री कालीचरण सर्राफ ने तबादलों पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस को हमले का मौका इसके जरिए उन्होंने दे दिया। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में तबादला रुकवाने के लिए पहुंच और सिफारिश को जरूरी बताया और इस तरह खुद अपने विभाग की पोल खोल दी। सबसे कमजोर कड़ी होती है उसको उठाया जाता है, जिसको अप्रोच नहीं होती उसको उठा देते हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में बीते कुछ समय में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। यही वजह है कि मंत्री कालीचरण सर्राफ जन सुनवाई के दौरान तबादले की अर्जियों पर ही बात करते दिखे, लेकिन उनका बयान सामने आते ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी प्रदेश में हो उन सब में या तो पैसों का लेन देन हुआ है अथवा अभिशंसा पर राजनेताओं की हुआ है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान के बहाने राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सवाल ये कि मंत्री ने सिफारिश को जायज क्यों ठहराया? जन सुनवाई के दौरान मंत्री का बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, इसकी वजह से खुद वो निशाने पर आए। लगे हाथ बीजेपी सरकार पर भी उंगलियां उठ गई। सिफारिश को तबादला प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा नहीं माना जा सकता।